फारूकी मिस्र में एक कबती लड़के के साथ वहां के गवर्नर के बेटे ने घुड़सवारी का मुकाबला किया। तफाक से वो कबती लड़का मुकाबले में जीत गया। गवर्नर के बेटे को हारने पर गुस्सा आया, उसने कबती की पिटाई लगा दी। वो बेचारा मजबूर था, कमजोर खानदान से ताल्लुक रखता था, गवर्नर के बेटे को कैसे हाथ लगाता, चुप कर गया। कबती लड़के के बाप को पता चला तो उसने बेटी को साथ लिया और मदीना दारुल खिलाफा की तरफ चल पड़ा। वहां जाकर अमीर अल-मोमिनीन को सारी बात बताई। फौरन मिस्र की तरफ खासा दौड़ाया गया। गवर्नर को बेटे समेत दारुल खिलाफा में हाजिरी का हुक्म था, हाजिर हो गए। सुबह जब सब लोग इकट्ठे हुए तो गवर्नर के बेटे को सामने बुलाया गया। अमीर अल-मोमिनीन हजरत उमर ने कबती लड़के के हाथ में घोड़ा दिया और फरमाया, उससे अपना बदला ले लो। उसने गवर्नर के बेटे से अच्छी तरह बदला लिया। जब बदला पूरा हो चुका तो खलीफा वक्त हजरत सैयदना उमर ने फरमाया कि इस साहबजादे ने चूंकि अपने बाप की हुक्मरानी की बना पर तुम पर जुल्म किया था, इसलिए अगर चाहो तो उसके बाप को भी कोड़े लगा लो। फिर गवर्नर की तरफ मतूजे हुई और तारीखी जमला फरमाया, मती इस्ताबता मलनास महारा, तुमने लोगों को गुलाम कब से समझना शुरू कर दिया, जबकि उनकी माँ ने उन्हें आजाद पैदा किया है।